नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान अक्सर अपने बेबाक अंदाज और बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार वो सुर्खियों में हैं और रीजन उनके बयान या फिर उनके स्टेटमेंट नहीं बल्कि कुछ और है। आपको बता दें, दरअसल उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी या अपनी वाइफ सबा बेग का चेहरा पब्लिकली रिवील किया है। दरअसल उन्होंने अपनी शादी की 8वीं सालगिरह के दौरान एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें उनकी पत्नी बिना किसी हिजाब, बिना किसी बुरके के नजर आ रही है। जाहिर तौर पर यह फोटो कई लोगों को पसंद आ रही है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इरफान पठान का यह स्टैंड बिल्कुल भी रास नहीं आया और कई सारे लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें से तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान या फिर कहीं और से हैं और लगातार कट्टरपंथी तरीके से वो इस फोटो को लेकर के ट्रोल कर रहे हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि जब इतने दिनों तक अपनी पत्नी को बुरके के अंदर रखा, तो आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हें उसका चेहरा ही रिवील करना पड़ा। तो कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि से अच्छा तो तुम्हारा भाई है। आपको बता दें, दरअसल इरफान पठान ने अपनी शादी की 8वीं सालगिरह के दौरान एक प्यारा सा मैसेज अपनी पत्नी के लिए लिखा और उन्होंने बिना किसी हिजाब या बुरखे वाली तस्वीर अपनी पत्नी के साथ शेयर की। फिर क्या था, ये तस्वीरें कुछ लोगों को रास नहीं आती है और जो कट्टरपंथी लोग हैं वो लगातार इस फोटो पर तरह तरह के कॉमेंट कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भड़काऊ कॉमेंट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे कॉमेंट कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से निम्न स्तर से गिरा हुआ कमेंट है। आपको तमाम लोगों के कमेंट यहां पर मैं पढ़ के सुनाती हूं कि आखिर इन कट्टरपंथी लोगों की सोच कैसी है। इरफान पठान जब अपनी पत्नी का चेहरा बिना किसी बुरखे या फिर बिना किसी हिजाब के लोगों के सामने पहली बार रिवील कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि यूजर लिखते हैं कि इरफान भाई, मुस्लिम खातूनों को हिजाब में रहना चाहिए, यह आपने अच्छा नहीं किया। एक यूजर लिखते हैं कि आप मुसलमान हैं और जिस तरीके से आपने अपनी पत्नी का चेहरा पब्लिकली रिवील किया है, यह आपको नहीं करना चाहिए। तो एक अन्य यूजर है, इन्होंने इरफान पठान के बड़े भाई की तस्वीर शेयर की है जो कि अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी ने पूरी तरीके से बुर्का पहना हुआ है और वो लिखते हैं कि इसीलिए आपका भाई आपसे ज्यादा सही है। एक यूजर लिखते हैं कि इतने दिन तक पर्दे में रखा था, तो आज क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि आपको ये नकाब, ये बुरका हटाना पड़ गया। तो वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि आखिर संगी को खुश करने के लिए आप और क्या करोगे। आपको बता दें, दरअसल इरफान पठान की वाइफ सबा बेग पहले मॉडलिंग किया करती थी, अच्छा खासा उनका करियर चल रहा था और वो सऊदी अरेबिया में पली बढ़ी है, वहीं पर उनका जन्म हुआ है और वहीं पर उनका मॉडलिंग करियर काफी ज्यादा फल फूल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में साल 2016 में उन्होंने भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान से शादी कर ली और इन्हें एक बेटा भी है। लेकिन हर बार इरफान पठान अपनी पत्नी का फोटो शेयर तो करते थे, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा हिजाब या फिर में नजर आती थी। लेकिन ये पहला मौका है जब शादी की 8वीं सालगिरह पर इरफान पठान ने अपनी पत्नी का चेहरा बिना किसी बुरके या फिर बिना किसी हिजाब का शेयर किया है और इस चीज को लेकर के कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि बकायदा खुश हो रहे हैं और इस तस्वीर को खूबसूरत तस्वीर बता रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी हैं जिन्हें ये चीजें रास नहीं आ रही है और तरह तरह के लोग यहां पर कॉमेंट कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर कि आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखिए, वो तो सबसे पहले तो मुबारकबाद सरफराज खान को कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म करने के बाद वो मौका मिला है और ये एक छोटी सी जीत है हर वो खिलाड़ी के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और लगातार रन बना रहा है, क्योंकि उस पर इंपॉर्टेंस, उस पर तवज्जो देना बेहद जरूरी है। और जब वो सिलेक्ट हुआ तो मुझे जाहिर सी बात है बड़ी खुशी हुई, सिर्फ उसी के लिए नहीं, सौरभ के लिए भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि उसने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत साल परफॉर्म किया है। तो जब ऐसे लड़के सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक खुशी होती जरूर है, लेकिन जब प्लेइंग 11 की बात आती है, जैसे मैंने पहले जवाब दिया आपको कि इतना आसान होगा नहीं टीम मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना। आप चाहते हैं कि प्लेइंग 11 का हिस्सा किसी यंग खिलाड़ी को बनाए जो एक लेवल ऊपर आए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के, इंडिया ए क्रिकेट खेल के,
अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो सिचुएशन अगले मैच का कॉम्बिनेशन बनाने की है, मुश्किल काम रहेगा जाते ही एकदम से मौका मिलना, क्योंकि जो पहले टीम में आया हो तो उसकी जगह पहले बनती है। रजत पाटीदार उनसे पहले आए तो हो सकता है कि उनकी जगह बन जाए अगर प्लेइंग 11 में जगह बनती है, वरना एक कॉम्बिनेशन बनाना एक सरदर्द का काम रहेगा अगले मैच में। आप मैच हार भी चुके हैं और आपको अगला मैच जीतना भी, और सीरीज नहीं हारना है। इंडिया में सीरीज बहुत हम इम्पोर्टेंस उसे नहीं देते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम ये एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हम सीरीज हार सकते हैं इंडिया में। तो एक अलग लेवल के दबाव से गुजरेगी टीम मैनेजमेंट और भारतीय टीम, तो इसी वजह से मुझे लगता है एक्सपीरियंस को पहले बैंक करेंगे। लेकिन ये बड़ी सीरीज है, अच्छी बात यह कि दो टेस्ट मैच की सीरीज नहीं है, ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज, तो यहाँ पे आपको मौके मिलने के आगे चांसेस जरूर रहेंगे। अच्छा रहेगा थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिले दोनों खिलाड़ियों को जो नए खिलाड़ी आए हैं, और एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, थोड़ा सा एडजस्ट हो गए और उसके बाद मौका मिले तो फिर हो सकता है कि अच्छे से खुल के परफॉर्म भी कर पाए। वी कैन टेक वन मोर। देखिए अंडर 19 में ना मेरी बहुत रुचि रही है अंडर 19 क्रिकेट के लिए, और मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ, और लकीली मैं फॉर्चुनेट हूँ कि ये जो अभी अंडर 19 टीम इंडिया की जो टीम गई हुई है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उन लड़कों के साथ मैंने करीबन 2 हफ्ता बिताया है। अब जब एनसी में मैं एक कोचिंग कोर्स करने गया था तो वहाँ पे उनके साथ वक्त बिताया था, जहाँ पे मुशीर थे, अर्शिन कुलकर्णी थे और राज लिम्बानी, और ये सारे खिलाड़ी वहाँ पे थे, और प्रियांशु मूलिया, ये 4-5 खिलाड़ी जो मैंने आपके नाम लिए ये बड़े एक्साइटिंग खिलाड़ी हैं। मुशीर ने तो कमाल के वो शतक लगाया अभी हाल ही में, कल ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वो शतक लगाया, कमाल की बल्लेबाजी की, और जिस तरह से राज लिम्बानी गेंदबाजी कर रहे हैं मैं उनके फ्यूचर को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। अर्शिन कुलकर्णी एक ऐसा ऑलराउंडर बन सकता है आगे जाके जो तेज बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में एक अच्छा अपना नाम बना सकता है, क्योंकि वो बैट्समैन है लेकिन फास्ट बॉलिंग करते हैं, लंबे कद के लगभग मेरे से थोड़ी ज़्यादा हाइट है उनकी, अभी 19 साल के बच्चे, लेकिन तो ये बहुत एक्साइटिंग खिलाड़ी है और इनके फ्यूचर को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे यकीन है कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत के आएगी, क्योंकि तगड़ी टीम है, मजबूत टीम है, अच्छा उनके पास सपोर्ट स्टाफ भी है, और उसमें परफॉर्म करने वाले, कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी मौजूद है। अभी मुशीर का जो आपने सवाल पूछा, जो कंसिस्टेंसी दिखाई है वर्ल्ड कप में काबिले तारीफ है, और मुझे तो ये लगता है कि उनके पास जो रेंज है बैटिंग की वो सरफराज से भी थोड़ी ज़्यादा सामने की तरफ है। सरफराज जो है वो स्क्वायर बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मुशीर के पास सामने खेलने की काबिलियत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोनों अपने लेवल पर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और अर्शिन के पास ताकत है, ऑलराउंडर एबिलिटी है, राज लिम्बानी के पास स्विंग है, और एक ऐसी बॉलिंग करते हैं वो जिनके पास एक अच्छी एक्शन है जिससे वो स्विंग करने में उन्हें गेंदबाजी में बड़ा फायदा होता है। सो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं लेकिन ये 4-5 खिलाड़ी जिनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो फ्यूचर में क्या कमाल करते हैं। तो ये बताया नहीं कहाँ कहाँ खेल होगा, किस किस स्टेट्स में होगा, ये डिटेल नहीं बताया आपने। खेल कहाँ होगा एक्चुअली, ये मतलब चेतन किसकी बात करें आप, ये टूर्नामेंट की बात करें।